हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल कलर्स एंड आर्ट स्टोरी। आज हम ये ब्यूटीफुल लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाना सीखेंगे, जो बहुत ही आसान तरीके से आप इजीली बना सकते हैं। मैंने कुछ फैब्रिक लिए हैं, आप कॉटन, सिल्क, कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। मैंने गोटा लिया है, जिससे मैं उसको अच्छा से डेकोरेट करूँगी, और कुछ मैंने प्रिंट के और चिकन कपड़ा लिया है, जो डिज़ाइन के लिए लिया है मैंने। देखिएगा कितनी यूनिक डिज़ाइन है, ये बहुत ज़्यादा लेटेस्ट डिज़ाइन है लड्डू गोपाल जी के ड्रेस के लिए, जो कोई भी साइज़ का आप इजीली बना सकते हैं, इजीली आप कवर अप कर सकते हैं, कोई से भी साइज़ का बना सकते हैं। वैसे फ्री साइज़ होता है, आप बड़े को भी बना सकते हैं, छोटे को भी बना सकते हैं, क्योंकि साइड में कुछ होता नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपर पार्ट बनाऊँगी, जो मैंने 10 इंच उसकी लेंथ ली है, ब्रीथ उसकी 2 इंच ली है। देखिएगा मैंने ली है, और फिर मैं नीचे का फैब्रिक लूँगी, जो मैंने 4 इंच उसकी विड्थ ली है। लेंथ लूँगी मैं उसकी 15 इंच, 15 to 20 आप ले लेना, जितना भी आपको घूम चाहिए उसके अकॉर्डिंग। उसके हिसाब से मैं 2 डार्क ब्लू कलर की स्ट्राइप लूँगी, जो 2 इंच की विड्थ है, और लेंथ उनकी 15 to 16 इंच है। चलिए सबसे पहले हम अपर पार्ट बनाते हैं। मैं 10 इंच और 2 इंच वृत्त का फैब्रिक लूँगी, जो मैं एक साइड से फोल्ड कर लूँगी, सीधे की साइड से। उस पर मैं आराम से स्टिच कर लूँगी। अगर आप कंफर्टेबल नहीं होते तो आप पहले आयन कर लीजिएगा, देन आप स्टिच करिएगा। बहुत हल्के हाथ से आराम से स्टिच करना है, क्योंकि ज़्यादा तेज करते तो फैब्रिक जो है खिंच जाता है, बेकार हो जाता है। अब देखिएगा मैंने स्टिच कर लिया, इसके ऊपर मैं गोटा लगाऊंगी। गोटे की जगह आप लेस लगाना, कुछ भी लगाना, पर गोटे की चमक कुछ और ही होती, तो मैं गोटा ही यूज़ कर रही हूँ। जो गोटा है वो बहुत छोटा है, मतलब ज़्यादा चौड़ा, मतलब जो उसकी विड्थ है ज़्यादा नहीं है, पर 1/2 इंच से भी थोड़ा कम है वो, तो मैं उसको लगा लूँगी। जहाँ पर मैंने फोल्ड किया था फैब्रिक, उसी के ऊपर लगाना है। मैं अब गोटा लगाऊंगी। गोटे पे भी याद रखिएगा, आप 2 स्टिच करिएगा, एक दूसरे एच पे, एक दूसरे एच पर, जिससे वो बाद में वॉशेबल करने के बाद भी, जब हम वॉश करते तो काफ़ी चीज़ें मुड़ जाती, तो वो मुड़ेगा नहीं, उससे बहुत अच्छा होगा। यही प्रोसेस मैं दोनों साइड कर लूँगी। देखिएगा मैंने दोनों साइड ये प्रोसेस कर लिया है, दोनों साइड गोटा लगा लिया। मैं इसका 1/2 एंड 1/2 कर लूँगी, जो 10 था 5 हो गया है, और 5 को भी मैं 1/2 क्रीज कर लूँगी। कट नहीं करना, सिर्फ क्रीज करना, कि हम लोगों को पता चल जाएगी कि वो हाफ है। देखिए मैंने 1/2 1/2 कर लिया। अब एक के ऊपर एक ओवरलैप करूँगी मैं, और ओवरलैप करने के बाद में यहाँ पे देखिएगा आगे एंड पीछे दोनों साइड ओवरलैप कर रही हूँ, क्योंकि हम ये अपना अपर पार्ट, मतलब कोटी जिसे हम कहते हैं लड्डू गोपाल जी की, वो बना रहे हैं। अब मैं इसको हाथ से सिल लूँगी, जो मैंने 1-1 इंच सिला है। आप भी 1 इंच ही लेना, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का थोड़ा जो मुकुट होता है, जो सिर होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उसकी वजह से उन्हें आराम से पहना सकते हैं। इसलिए आप सिर्फ 1-1 इंच ही साइड साइड से स्टिच करिएगा, और आराम से आप सिलाई मशीन भी मार सकते हैं, पर हाथ से क्या है, क्योंकि हाथ से थोड़ा पता अंदाज़ा लग जाता है कि कहाँ तक करना है। मैं उस पर हाथ से सिलाई कर लूँगी, आगे और पीछे दोनों साइड ही आप 1-1 इंच पे सिलाई कर लीजिएगा। देखिएगा हम लोगों ने आगे और पीछे दोनों साइड सिलाई कर ली, और जो बीच में जो स्पेस बचा है, देखिएगा ये हमारा वो, मतलब डालने का स्पेस हो जाएगा। देखिएगा अब मैं यहाँ पे कुछ चुन्नटे भराऊंगी, जिससे बहुत सुंदर लुक आता है इसका, डिज़ाइन का बहुत प्यारा लगता है इस पर डिज़ाइन में। आप कहीं पे भी अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ अधूरा अधूरा है, तो आप ये इजीली डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो मैंने देखिएगा ऊपर के जो शोल्डर है उसका 1/2 लाइन लिया था, 1/2 के ऊपर चुन्नट भर के मैंने उसे सिलाई कर दी, और उस पर एक स्टोन लगा दूंगी मैं। स्टोन मैंने गोल्डन कलर का लिया, अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग लीजिएगा जो आपका ड्रेस का कलर होगा। देखिएगा यही मैं दोनों साइड करूँगी, आप भी दोनों साइड ही करना। देख सेम चीज़ हम दोनों साइड कर लेंगे। देखिएगा दोनों साइड हो गया, कितना सुंदर लुक आया है, कितना प्यारा लुक लग रहा है एकदम। हमारा जो नेक होता है वो भी अलग से दिख जाएगा इससे, कि हमारा ये नेक है, शोल्डर्स हो गए, सब हो गया। अब मैं नीचे की जो लहंगा होता है, जो गरारा टाइप होता है, उससे सिलूंगी। पहले मैंने लाइट ब्लू कलर लिया था, स्काई ब्लू कलर लिया था, उस पर डार्क ब्लू की मैं पाइपिंग लगाऊंगी। पाइपिंग के लिए पहले सीधा कपड़ा रखेंगे, सीधे के ऊपर वो उल्टा, जो जिससे हम पाइपिंग लगाएंगे वो उल्टा रखेंगे।
अब मैं उसको स्टिच कर लूँगी। अब नीचे वाला सीधा है और ऊपर जो मैंने पाइपिंग लगाई थी वो उल्टा था, तब उसको सीधा कर लेंगे हम, पीछे फोल्ड कर लेंगे, क्रीज कर लेंगे जिससे बाद में प्रॉब्लम ना हो स्टिच करने के बाद। अब मैं उसको डबल फोल्ड करके जो मैंने सिलाई की थी उसको ओवरलैप कर लूँगी। जब आप ओवरलैप करोगे तो आपकी जो एक सिलाई है वो सिर्फ एक ही दिखेगी, नीचे वाली सिलाई नहीं दिखेगी, वो सिलाई वो दिखेगी जो आप अब लगा रहे हो। मैं उस पर बहुत ही आराम से डार्क ब्लू कलर से स्टिच कर रही हूँ। आप भी ध्यान रखिएगा कि आराम से स्टिच करें, सिलाई जो है वो उतर ना जाए। बिल्कुल देखिएगा कितनी फिनिशिंग आई है, एकदम परफेक्ट लुक आता है। आप यहाँ पर जो मैंने पाइपिंग लगाई है उसमें आप लोग प्रिंट का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, कढ़ाई का या यूज़ कर सकते कुछ भी। अब देखिए मैं ऐसे ऐसे इस पर प्लेट्स बनाऊँगी। पहले मैं साइड साइड में से फोल्ड कर लूँगी। आप भी पहले प्लीट डालने से पहले साइड साइड में से फोल्ड कर लेना डबल फोल्ड करके। अब उस डबल फोल्ड करके मैं दो बार स्टिच लगाऊंगी, एक दूसरी साइड एक दूसरी साइड। देखिए मैंने स्टिच लगा लिया है, एक और दो, दो लगाई हैं। दो इसलिए लगाती हूँ क्योंकि फिर वो दूसरी साइड में प्रॉब्लम करता है। देखिए मैं दूसरी साइड दूसरे एच पे भी डबल फोल्ड करके स्टिच लगा लूँगी, इस पर भी मैं डबल फोल्ड करके डबल ही स्टिच लगाऊंगी। आप मतलब सिलाई ज़्यादा मोटी ज़्यादा पतली मत करना, नॉर्मल नंबर रखना। मैं 4.5 लेके चल रही हूँ या 4 लेके चल रही हूँ, 4-4.5 के बीच में रखना, इससे ज़्यादा मत लगाना जो नंबर है। देखिए मैंने कर लिया है, ये अपर पार्ट हो गया हमारा। अपर पार्ट की जो चौड़ाई वो हमारी कितनी है, 3 इंच। जो हमारे लड्डू गोपाल जी की कमर है वो 3 इंच आई है। मैंने रखा कितना था, 2-2 इंच रखा था, 2-2 इंच में करके वो 3-3 इंच हो गया। अब आगे और पीछे का मैंने देखो इसमें बाय बाय करके मैं इसमें प्लेट डालती जाऊंगी आराम से। जैसे मैं आपको पहले बताई, देखो एक के ऊपर एक ओवरलैप करके हम लोग प्लेट बनाएंगे। आप ये आयन से भी बना सकते हैं, आयन करके आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। आप पहले फोल्ड करना फिर उस पर आयन कर देना तो प्लेट्स जो है ना खुलेंगी नहीं। इसमें जब मैं डायरेक्ट लगाती हूँ तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब बिगनर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अब आप ऐसे फोल्ड करते जाओगे तो खुद ही ये गोलाई शेप में आ जाएगी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को नीचे का जो पार्ट होता है घाघरा जो होता है वो गोलाई में होता है। तो जब हम आप इस पर प्लीट भरोगे 3 इंच की, क्योंकि 3 इंच कमर है ना, तो हम लोगों को ये प्लीट भी इतनी पतली पतली करनी, इतनी आप पास पास करने की, नेक स्टिच करने के बाद 3 इंच आए कमर। देखिएगा मैं इसको नाप लूँगी कि ये 3 इंच हो, देखेगा 3 इंच ही है, इसके बिल्कुल बराबर है। देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट। इसके मैं एक बार मतलब आगे से स्टिच कर लूँगी इसको, को मतलब जो हमारा अपर पार्ट लोअर पार्ट को एक साथ, मतलब कोटी को और जो हमारा घाघरा है उसको एक साथ स्टिच कर लूँगी। स्टिच करते भी याद रखिएगा कि नीचे का फैब्रिक ऊपर ना कुछ हो जाए उल्टा सीधा, तो ध्यान से स्टिच करिएगा। देखिए मैं इस पर डबल स्टिच कर रही हूँ जिससे वो पक्की सिलाई हो जाएगी बाद में, मतलब उधड़े वगैरह ना कि उधड़ जाती है जब वॉश वगैरह करते हैं। देखिएगा कितनी सुंदर लग रही है, अभी तो ये हाफ ही बनी जब इतनी सुंदर लगने लगी है। अब मैं ये भी प्रोसेस सेम प्रोसेस पीछे वाले की साइड कर दूँगी, कि पीछे वाले का भी जो हमारी कमर है 3 इंच के हिसाब से मैं उसमें प्लेट भरूँगी, चुन्नटी भरूँगी। इससे देख मैंने कितनी सुंदर डोरी ली है, आपको डोरी तो कहीं पर भी मिल जाएगा किसी टाइप पर भी। मैं अपनी कमर पर स्टिच कर लूँगी आगे और पीछे दोनों साइड में, इसको कमरबंद के लिए स्टिच कर लूँगी। और ये स्टिच याद करना वहीं पर ही जुड़ेगी जहाँ पर हम लोग फोल्ड कर रहे थे, मतलब जहाँ पर हमने ओवर और अपर पार्ट को ज्वाइन किया है। देखिए साइड साइड में से ये हम लोग जो पहनाएंगे तो ये साइड साइड में से ही बंद होगी, और जगह से ही बंद है तो साइड में से ही ओपन है, जो हम साइड में से बना सकते हैं। इसलिए हम लोग को इसको फ्री साइज़ का है कि आप किसी भी लड्डू गोपाल जी को पहना सकते। देखिए कितनी क्यूट ड्रेस लग रही है, कितनी प्यारी है, इसके सारा कलर कॉम्बिनेशन इतना सुंदर कलर कॉम्बिनेशन था, और गोटे से तो इसकी और ज़्यादा खूबसूरती बढ़ चुकी है। आप ये, आपको ये पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कॉमेंट, और प्लीज़ बताना कि कैसी लगी आपको मेरी ड्रेस। और लड्डू गोपाल जी के लिए प्लीज़ ट्राई करना, ये किसी भी मौसम में आप बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।